और अगर हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ अगर लव जिहाद की घटना अगर इस तरीके की हुई तो उसको उसकी भाषा में समझाने का काम ये हिंदू समाज करेगा। हमने आज यही स्थिति पैदा कर दी पठान मूवी में शाहरुख खान की, वो औकात दिखा दी कि या तो उस रोल को खत्म करना पड़ेगा ना किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो भारत देश के अंदर मूवी को रिलीज कर दे। पूरी बॉलीवुड को चैलेंज करना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आप किसी भी कीमत पर फिल्म रिलीज करके दिखा देना, हम मॉल में आग लगाने का काम हम करें। पूरे देश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर के जहां तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार है वो अपने अपने राज्यों में इसको लेकर के कानून लाए। आज राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर यहां तमाम लोग आप देख सकते हैं मौजूद हैं, आज इस पूरे कार्यक्रम में आए और पूरे देश में घट रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर के एक चिंता व्यक्त की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये जिस तरीके से आज राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया, लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो बहुत कम लोग अब धीरे धीरे ये भी पहले नहीं जानते थे उसको अब जानने लगे हैं, दरअसल किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम था और क्यों आप लोगों ने? लव जिहाद की रोजाना जो है हर घंटे में घटनाएं हो रही हैं और हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से मोहरा बनाया जा रहा है उसको हम किसी भी में बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने समाज को एक संदेश देने के लिए आज हमने यहाँ से, हम तो पिछले लगभग 20 साल से शुरुआत करे हुए हैं लेकिन जंतर मंतर से फिर एक हुंकार भरी है और यहां से हमने एक संदेश सरकार को और अपने देश के राष्ट्रवादी हिंदू लोगों को ये देने का प्रयास करा है कि भाई लव जिहाद का जिस तरीके से बाहर आतंकवादी गतिविधियों द्वारा जो प्लेटफार्म इस देश के अंदर तैयार करा है इसको किसी भी कीमत पर ध्वस्त करने का संकल्प आज हम यहाँ से लेके जाएंगे और अगर हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ अगर लव जिहाद की घटना अगर इस तरीके की हुई तो उसको उसकी भाषा में समझाने का काम ये हिंदू समाज करेगा। और आज हमें आपने देखा हजारों की संख्या में जो ये युवा लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम इस अपनी मुहिम में बहुत मजबूती से खड़े होकर एक संदेश देने का काम देश में आज जंतर मंतर से करने जा रहे हैं। एक बात नहीं समझ आती लोगों को, बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारे फिल्मों में खुलेआम इस चीज़ को बताया जा रहा है, क्या उस तरफ भी आप लोग कुछ अपना काम करने वाले हैं, कुछ मुहिम चलाने वाले हैं? बिल्कुल, हमारी मुहिम चल रही है। आपने देखा पठान में हमारे भगवा का अपमान करा, हमने आज यही स्थिति पैदा कर दी पठान मूवी में शाहरुख खान की, वो औकात दिखा दी कि या तो उस रोल को खत्म करना पड़ेगा ना किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो भारत देश के अंदर मूवी को रिलीज कर दे, चाहे वहाँ पर हमारी राष्ट्रवादी लोगों की सरकार हो या ना हो, हमने कड़े शब्दों में निंदा करी है और आज उनको पीछे हटने का काम करना पड़ा। अगर वो नहीं हटे तो मैं चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरी बॉलीवुड को चैलेंज करना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आप किसी भी कीमत पर फिल्म रिलीज करके दिखा देना, हम मॉल में आग लगाने का काम हम करेंगे। लव जिहाद करने वाले लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदू संगठन ही डिसाइड कर लें क्या सजा देंगे? नहीं, हिंदू संगठन तो अगर सरकार नहीं करेगी, आज यहाँ जो हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था वो यही था, सरकार से हमने मांग करी है कि लव जिहाद सबसे पहले देशद्रोह में आना चाहिए और देशद्रोह में आने के बाद जहाँ भी लव जिहाद इस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ इतनी बड़ी बेशर्मी की घटना घटे उस पर 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका जो है निस्तारण करा जाना चाहिए और चौराहे पर खड़े करके उसको फांसी या उसको सीधा गोली मारकर उसको उसकी भाषा में सजा देनी चाहिए। इस तरीके का जो अपील है आज जंतर मंतर पे विभिन्न लोगों के जो खास करके अलग अलग समुदायों के जो हिंदू संगठन थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ये पूरी अपील की गई कि देश भर में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। कैमरामैन केडी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।